आज हम बनाएंगे नवरात्रि व्रत रेसिपी। वैसे तो नवरात्रि में कई स्वादिष्ट चीज़ें बनाई जाती है, जिसमें से एक है लौकी का हलवा। बहुत कम समय में बन जाता है, तो आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपके साथ लौकी के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम लौकी ली है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। और अब मैं इसका ऊपर का छिलका छील लूँगी। छिलका इसलिए अच्छे से बोला मैंने, क्योंकि अगर ये छिलका थोड़ा सा भी रह जाता है तो लौकी का हलवा इतना सॉफ्ट नहीं बनता, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो इसको अच्छे से छिलके को छील लीजिए। तो ये लौकी हमारी छिल गई है, अब हम इसको कद्दूकस करेंगे। तो इस तरह से आप इसको ग्रेट कर लीजिए। ये हलवा बहुत न्यूट्रिशियस होता है, दिन भर एनर्जी बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसमें दूध, मलाई, शुगर, ड्राई फ्रूट्स और मावा। मावा तो अभी अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह हम मलाई मिलाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बाहर का कुछ खाना नहीं है और सब दुकानें भी बंद हैं, तो हम इसमें मावे की जगह मलाई मिलाएंगे। तो न्यूट्रिशियस वैल्यू इतना सब डालकर बहुत बढ़ जाती है। गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई रख दी है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून प्योर घी। तो घी जब पिघलेगा तब हम इसमें ऐड करेंगे लौकी। तो घी पिघल गया है, अब हम इसमें लौकी ऐड कर देंगे और इसको अब हम भूनेंगे। तो कम से कम इसको तब तक भूनना है जब तक इसका पानी ना सूख जाए। तो कम से कम 2-3 मिनट हाई गैस पे भून लीजिए आप इसको। देखते रहिए, नहीं तो नीचे से लौकी जल जाएगी। तो इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो लौकी अभी हमारी भुन गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो जितनी लौकी है 250 ग्राम, उतना ही मैंने इसमें दूध ऐड किया है। तो 250 ग्राम मिल्क डाला है मैंने और इसको कंटिन्यू चलाते जाइए। तब तक चलाना है हमको इसको, तब तक पूरा दूध सूख ना जाए। तो गैस का फ्लेम अपने अकॉर्डिंग कभी हाई कर दीजिए, कभी स्लो कर दीजिए। तो ये पूरा दूध सूख गया है, गैस मैंने स्लो किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। तो मैंने इसमें 100 ग्राम शक्कर डाली है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए, क्योंकि कई बार कई लोग बहुत मीठा खाते हैं, कई बार कम खाते हैं। तो शक्कर डालने से देखिए ये फिर वापस गीला हो गया है। आपके पास नॉन स्टिक बर्तन है तो आप उसमें बनाएंगे तो ये जलेगा नहीं। मैंने इसको एल्यूमिनियम की कढ़ाई में बनाया है तो थोड़ा सा दूध चिपक गया है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। तो इस तरह से कंटिन्यू चलाते जाइए आप इसको। अब हम इसमें डालेंगे इलायची। मैंने 4-5 इलायची ली थी, जिसको मैंने बारीक बारीक कूटा था, एकदम पाउडर बना लिया था। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मलाई। जैसा कि मैंने बताया है, मावा अवेलेबल नहीं है, तो मलाई भी मावा का काम कर जाती है, बाद में कुक होते होते वो मावा का टेक्सचर दे देगी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा इसमें मावा डाला भी था कि नहीं डाला था। तो अब इसको कंटिन्यू चलाते जाइए आप। बहुत फास्ट कुकिंग है, फटाफट बनता है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, आप अपने पसंद से डाल दीजिए ड्राई फ्रूट। मैंने ऐसे 6-7 बादाम, 2-4 काजू, 7-8 किशमिश लेके इसमें डाले हैं। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हमको उस स्टेज तक पकाना है कि ये घी छोड़ दे। जैसे ये घी छोड़ेगा हम समझ जाएंगे कि हलवा बनकर तैयार हो गया है। तो हलवा हमारा बनकर एकदम तैयार हो गया है।